नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से लाभ एवं हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को करने वाले हैं। तो पार्ट वन आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाकर के पार्ट वन को देख लीजिए, आपको और बढ़िया समझ में आएगा। और ऐसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं पार्ट वन का सारांश बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था। और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पे नया है, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कल क्या पढ़ाया था, तो कल दोस्तों मात्र मैं एक ही फॉर्मूला पढ़ाया था। और एक फॉर्मूला से कितना पढ़ाया था वो सब स्टूडेंट को पता है। मात्र हमने दोस्तों पी प्रतिशत बराबर एस पी माइनस सी पी बट्टा में सी पी इंटू 100, बस यही एगो फॉर्मूला पढ़ाया था दोस्तों पार्ट वन में। बस इसी से हम लोग क्या निकाले थे, सी पी निकाले थे, सॉरी एस पी निकाले थे, सी पी निकाले थे, पी प्रतिशत निकाले थे। अब सर देखिए, फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, आप लोग को याद रहेगा। क्वेश्चन भी किए थे, बड़ा मजा आया था क्वेश्चन में, बहुत सारे विद्यार्थी लोग हमारे साथ उत्तर दिए थे, बहुत अच्छा। आप लोग इस वीडियो में आज दोस्तों हम लोग लॉस वाला करेंगे, एल प्रतिशत वाला। चलिए एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, एसपी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो एसपी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस पी प्रतिशत बट्टा में 100। ये फॉर्मूला होगा एसपी, यानी कि जब दोस्तों आपका लाभ प्रतिशत में देवल रहे और विक्रय मूल्य निकालने के लिए कहे तो कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि विक्रय मूल्य पूछेगा और आपको पी प्रतिशत देले रहेगा, लाभ देले रहेगा और विक्रय मूल्य देले रहेगा, तो क्रय मूल्य पूछेगा तब कैसे निकालिएगा, तो इसका फॉर्मूला है। देखिए, सीपी बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं 100 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करिए आप लोग, 100 गुने एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बट्टा में 100 प्लस पी प्रतिशत, ये किसका फॉर्मूला हो गया। ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि इससे पैरामेडिकल में यही सब क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आप सभी लोग रेडी रहिए, चलिए अब हम लोग आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए, और जितने भी लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएंगे। प्रतिदिन दोस्तों हमारे साथ आप लोग सुबह में 8 बजे क्लासेस कर सकते हो, जिनको नहीं पता है वो लोग बता दीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो प्रतिशत वाला देखिए कैसे होता है, तो सबसे पहले दोस्तों एल प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी कि कहने का मतलब हानि, ठीक है, हानि कहने का मतलब हो गया इसका। हानि को दोस्तों प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, तो हानि निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है सर। हानि बताने मैंने बताया था कल वाला वीडियो में, ठीक है, तो देख लीजिए एक बार फिर से बता दे रहा हूं। देखिए, हानि बराबर कुछ नहीं होता है दोस्तों, हानि बराबर फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। अब कहिएगा सर एसपी माइनस सीपी नहीं होगा, ई वाला नहीं होगा, एकदम होगा, मगर दोस्तों आगे में आपको एक्स मान लीजिए, एक्स आया घटेला के बाद एक्स आया, तो लेकिन माइनस ई शो करेगा कि आपका इतना प्रतिशत घाटा हो रहा है, माइनस यहाँ पे हानि का शो करेगा, ठीक है। तो आप लोग ये वाला अगर करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग माइनस साइन को नहीं लगाते हैं, इसको ये वाला फॉर्मूला रखिएगा, तो माइनस साइन नहीं लगाइएगा, तो यही फॉर्मूला रखते हैं दोस्तों। यहाँ पे एल बट्टा में 100 सीपी कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत में ज्ञात करना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये समझ गए। अब कहेंगे कि सर हानि नहीं पता रहेगा तब क्या करेंगे, जब दोस्तों आपको हानि पता नहीं रहे और हानि प्रतिशत पूछे तब कैसे करिएगा, तो आपको मेन चीज तो पता रहेगा ना, एसपी पता रहेगा ना, सीपी पता रहेगा ना, ये दो तो हमेशा पता रहेगा, ठीक है। तो इसको भी निकाल कर देते हैं कैसे, तो आप लोग हानि बराबर फॉर्मूला जानते हो, यहां पर से एल प्रतिशत बराबर हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी बटा में सीपी इंटू 100, बस यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद कर लिए, पूरा हानि वाला क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब एसपी बराबर सीपी बराबर निकालेंगे, एसपी बराबर निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या कहता है, जब यहां पे कुछ नहीं करना है, जो लाभ वाला में प्लस आया था इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं सीपी इंटू 100 माइनस
एल प्रतिशत बटा में 100, यही फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, इसको ही पट्टी लाओगे, इसको ही पट्टी लाओगे, ये गुना में हो जाएगा, 100 है डिवाइड में चला जाएगा, माइनस में पट्टी प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर सीपी कॉमन हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब पिछला वीडियो मैंने बता दिया था दोस्तों, तो उतना डिराइव नहीं करूंगा। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, रुक जाइए, नहीं दिख रहा होगा लाइक के कारण आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस एल प्रतिशत बटा में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और एक और फॉर्मूला, जब आपको कॉस्ट प्राइस पूछेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, तो सीपी इंटू 100 बटा में 100 माइनस एल प्रतिशत, यही फॉर्मूला है दोस्तों। ये तीन फॉर्मूला आप लोग जल्दी से नोट करो, एक दो और तीन, ये तीन फॉर्मूला करो, जल्दी से नोट करो, और हम लोग इस पर एग्जाम्पल पे टूट पड़ते हैं। चलिए नोट करिए आप लोग, तो आशा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब आप लोग फॉर्मूला याद रखना, अब हम याद रखना क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए जी, क्वेश्चन दिखने वाला है आपको यहां पे, क्वेश्चन नंबर 1, एल प्रतिशत कैसे निकाले। तो चलिए मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप लोग ध्यान देना और आंसर बताते रहना आप लोग। 100 रुपए की वस्तु, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु को, 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपया में बेचते हैं, ठीक है, बेचते हैं, तो कितना प्रतिशत हानि होगा। देखिए, अब तो आपको यहां से हानि वाला पता चल गया। देखिए, 100 रुपया में खरीद में किए और उसको 80 रुपया में बेच ही दिए, तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि इसमें हानि हो रहा है, हो रहा है ना, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा। फॉर्मूला पे याद आइए, यहां पे देखिए भैया सॉल्यूशन, देखिए एल प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, एल प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कितना, हानि एल बटा में सीपी इंटू 100। अब यहां से आप लोग मुझबानी निकाल लो, 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 20 रुपया हानि हुआ। सीपी कितना है, सीपी यहाँ पे है, जितना में खरीदेंगे उसको हम लोग सीपी कहते हैं, 100 नीचे गुना में 100 खत्म, यानी कि दोस्तों 20% हानि हो रहा है इसको। ठीक है, यदि किसी वस्तु को हम लोग 100 रुपया में खरीदते हैं और 80 रुपया में बेचते हैं तो 20% की हानि होगी। ठीक है, अब ये तो सर हानि निकाले, हानि प्रतिशत कैसे निकाले, ठीक है, ये तो निकल गया। अब मान लीजिए हानि प्रतिशत दे ले रहेगा और सीपी दे ले रहेगा, और तो हमको एसपी कैसे निकालना है, उसको भी चलते हैं, आप लोग इसको नोट कर लो। चलिए सब देखेंगे, अल्टर क्वेश्चन को भी देखेंगे, जो नहीं समझ में आता उसको भी करेंगे एकदम ट्रिक से, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, अभी सीखते चलिए। मैंने कहा ना कि लेवल बढ़ाते चलूंगा, अभी बउआ क्लास करेंगे, फिर उसके बाद सियाना क्लास करेंगे, फिर उसके बाद हाई कोर्ट वाला बन जाएंगे जज, ताकि कोई क्वेश्चन ना छूटे पैरामेडिकल के लिए। चलिए जी, जो क्वेश्चन है अगला है, देखिए यहां पे, अब देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 400 रुपया में दोस्तों क्या करते हैं, खरीदते हैं तो उसे कितना में बेचे कि कितना प्रतिशत, 25% की हमको हानि हो। अब देखिए, अब उसको हम लोग कितना में खरीद रहे हैं, 400 रुपया में खरीद रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि प्रतिशत में कितना हमको हानि होना चाहिए। बस ध्यान रखिए, हमको क्या होना चाहिए, हानि होना चाहिए। तो कैसे करिएगा आप लोग, तो आप लोग भी बनाते चलिए हमारे साथ। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कैसे होगा। चलिए सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आएगा, क्या निकालना है भैया, खरीदते हैं यानी कि सीपी तो मिल गए, सीपी 400 रुपया, 25% हानि हो रहा है, यानी एल प्रतिशत 25 रुपया, 25%, यानी कि घट रहा है कौची, एस पी बराबर वाट। फॉर्मूला जानते हैं सर आप, बता दिए हमको फॉर्मूला,
चलिए फॉर्मूला बता दिए हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसपी निकालना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करिए 400 को, 400 मल्टीप्लाई किए इनटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 बट्टा में 25, नहीं 100, फॉर्मूला देख लीजिए, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसपी बराबर फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 माइनस एल प्रतिशत बटा में 100, यही फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को। चलिए इसको कर देते हैं, कितना हो जाएगा 400 गुने 75 बटा में 100 हो गया ना, इसको डिवाइड खत्म। अब 75 में दोस्तों 4 से गुना कर दीजिए, 75 में 4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 5 × 20 के 0 हाथ में 2 × 7 = 28 + 30, यहाँ पर कितना आ गया 300 आंसर आ गया। यानी कि उस वस्तु को हम लोग 300 रुपया में बेचते हैं, 400 रुपया में तो खरीदते हैं और 300 रुपया में बेचेंगे तो हमको 25% की हानि होगी। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करो। अब हम लोग क्रय मूल्य वाला पे करेंगे, चलिए रफ कर ले रहा हूं, जल्दी जल्दी से आप लोग लिखते चलिएगा साथ में, आंसर तो आप ही लोग बना लोगे, क्या कि फॉर्मूला तो मैंने दे दिया है दोस्तों, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सब क्वेश्चन अल्टर क्वेश्चन को भी करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी क्लास तो जारी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, तो अभी तो पार्टी मैंने शुरू किया है दोस्तों, और पार्टी अभी कब तक चलेगा आपको भी नहीं पता है और मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए एक क्वेश्चन मेरे तरफ से फिर से आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे लिखा हूँ किसी वस्तु को, यहाँ पे मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लंबा लिखूंगा तो ज्यादा टाइम हो जाएगा क्वेश्चन में, इसीलिए लिख दे रहा हूँ किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को 480 रुपया में, कितना में दोस्तों 480 रुपया में बेचे जाते हैं, ठीक है, बेचे जाते हैं तो उसमें कितना प्रतिशत 20% की हानि होती है, ठीक है, 20% की हानि होती है, क्या होती है, हानि होती है तो उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला साइड में लिख दे रहा हूं, सीपी बराबर फॉर्मूला होता है 100 × SP बट्टा में कितना होता है, जल्दी से बताइए आप लोग, यहां पे हो जाएगा 100 माइनस एल प्रतिशत, लॉ से भैया माइनस हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। चलिए दिया हुआ कौची हवा देल हवा कौची तोरा, एसपी देले हवा लगा तो हवा की देले हवा 480 रुपया में बेच लिखल, कितना प्रतिशत की हानि होती है, अलवा 20%, निकालना कौची हवा सीपी, फॉर्मूला याद है सर साइड में लिखल है, बना लेंगे, चलिए बना लीजिएगा आप लोग भी, बनाइए मैं भी बनाऊंगा, ध्यान देते रहना यहाँ भी। 100 × SP कितना है 480, 100 − 20 कितना हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन को आप लोग जल्दी बनाना सीखिए, अल्टर क्वेश्चन को भी जल्दी करेंगे। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए क्या कहता है, इसको घटाइए कितना हो जाएगा 80 × 480, ठीक है, 480 100 100 खत्म, ठीक है, 8 से काटेंगे इसको कितना बार में, 8 × 48, ठीक है, 8 × 48 कितना हो गया 60, यानी कि दोस्तों 60 रुपया में उस वस्तु को हम लोग खरीदे हैं, ठीक है, कितना रुपया में खरीदे हैं 60 रुपया में, और उसको यदि हम लोग 480 रुपया में बेचते हैं तो 20% की हानि होती है। अब देखते हैं, हमको डाउट लग रहा है कि 60 रुपया में खरीदेंगे 480 रुपया में बेचेंगे तो सही आंसर है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका 20% निकालते हैं, इसका 20%, 60 का 20% निकाल के देखते हैं, नहीं रुक जाइए, 20% हानि हो रहा है ना, हानि हो रहा है ना, हानि पता है और क्रय मूल्य पता है, तो एसपी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम, एसपी ना निकाल रहे हैं, सॉरी ये गलत हो जाएगा, हम एसपी बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, एसपी निकाल के देखते हैं 480 आता है कि नहीं, तो एसपी बराबर फॉर्मूला क्या कहता है, 60 × 100 + 100 में 20 जाएगा 80 बट्टा में 100 1 0 1 0 1 0 8 6 48
ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए मिस्टेक पता लग गया, मिस्टेक पता लग गया यहाँ पर, तो 48 से आ रहा है। देखिए अब 48 कहाँ आ रहा था, देखिए हमने चेक कर लिया, यहाँ पे 60 बार में कटेगा, ये जीरो थोड़े ना कटा था, एक जीरो से एक जीरो आई वाला काटे 10 इधर, कितना हो जाएगा 600 आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग भी इस तरीके से मिस्टेक को चेक कर सकते थे, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पे ध्यान दिए होंगे वो लोग जरूर कमेंट में बताए होंगे, ठीक है। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देखे ना कितना जल्दी मिस्टेक पता लग गया, मुझे भी डाउट हो रहा था तो इसीलिए मैंने ये चेक कर दिया था। तो चलिए अभी और देखेंगे, अभी और क्वेश्चंस को देखेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, वही लास्ट क्वेश्चन होगा और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, देखते हैं कितने कितना दम है। चलिए हाँ जी रेडी रहिएगा, सभी सभी रेडी रहिएगा, देखते हैं किनमें कितना दम है जी। मैथ के शेर बन पाते हैं, चूहा को तो बड़ी मार लिया, तनिक शेर के मार के देखते हैं शेर मराता है कि नहीं, है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन शेर मार पाते हैं। चलिए जी यहां पे देखिए क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन उतना ही फंसाने वाला। चलिए कहता है किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 480 रुपया में, ठीक है 480 रुपया में बेचा जाता है तो उसे कितना प्रतिशत, 20% की हानि होती है। सब सोच रहे होंगे सर वही क्वेश्चन वाला लिख रहे हैं, नहीं दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हानि होती है तो उसे कितने में बेचे, कितने में बेचे ताकि ताकि कितना प्रतिशत, ताकि 30%, ठीक है 30% लाभ हो। अब देखिए, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे बनेगा, आप लोग सबसे पहले बताओ, देखते हैं कौन लोग बता पाते हैं, जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद मैं तो दोस्तों सॉल्यूशन करवे करूंगा, इसका ट्रिक भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो ट्रिक भी बताऊंगा, बट ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहां पर देख लीजिए, देख लीजिए एक बार, मेरा भी बात सुन लीजिए एक बार, ठीक है। सबसे पहले किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है 20% की हानि पर, तो दोस्तों 480 का 20% के हानि का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। दोस्तों आपको याद है अभी हमने क्रय मूल्य निकाला था इसी का, तो क्रय मूल्य फिर से निकाल लेते हैं आप लोग के चलते, ठीक है आप लोगों के चलते हम लोग फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले SP बराबर 480, ठीक है L% बराबर 20 और P% बराबर 30, ध्यान रखना। अब सबसे पहले इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, CP निकालेंगे, CP बराबर कितना हो जाएगा 480 इंटू 100 बटा में 80 और एक जीरो से एक जीरो खत्म, और फिर यहाँ पे 60 बार में यानी कि 600, ठीक है। उस वस्तु को दोस्तों हम लोग 600 में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। अब कह रहा है कि 600 में खरीदे, मान लीजिए मार्कर हमने 600 में खरीदा है, अब इसको कितना में बेचे कि हमको 30% का लाभ हो। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कब, लाभ पर, लाभ पर, लाभ पर, याद रखना है लाभ पर 30%, ठीक है पी पर। और सीपी बराबर हमारा कितना गया 600 लिख दे ली। अब क्या ज्ञात करना है, एसपी कितने में बेचा जाए, एसपी याद आया, एसपी बराबर फॉर्मूला है 600 गुने 130 बट्टा में 100, दो जीरो से दो जीरो खत्म। अब 130 में 600 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 130 में 600 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 6 78 और एगो जीरो बैठा दीजिए, 780 रुपया आंसर। यानी कि दोस्तों 780 रुपया में हम उस वस्तु को बेचेंगे तो हमको 30% लाभ होगा। समझ में आया कितना जल्दी बन गया। अब इसको देखिए, इसमें फॉर्मूला है, आप इसको ज्यादा ध्यान रखिएगा, वो फॉर्मूला जो मैं दे रहा हूँ ट्रिकली बता रहा हूँ कि उससे भी बन जाता है बहुत जल्दी। देखिए उस तरह इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना कि इतना में बेचा जाए और इतना प्रतिशत की हानि हो रही है तो कितना में बेचा जाए कितना लाभ हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन का मेरे पास एक ट्रिक है। यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, एसपी बराबर फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले 100 प्लस जेड करना है और बट्टा में 100 माइनस वाई करना है और प्लस में एक्स करना है। अब देखिए एक्स वाई जेड किसको मानेंगे, ठीक है एक्स वाई जेड किसको मानेंगे, तो एक्स जहां क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक्स, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, जहां x बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य,
एसपी, ठीक है एसपी किसका, हानि वाला का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हानि वाला का। और वाई कहाँ है, तो वाई जो हो जाएगा हानि हो रहा है कितना, वाई प्रतिशत लिख देते हैं हानि प्रतिशत। और जहां क्या हो जाएगा, और जेड, जेड पूछ रहा है ठीक है, जेड क्या हो जाएगा आपका ई वाला लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लिख देता हूँ लाभ प्रतिशत। अब देखो आप लोग पुट करके देख लो, 100 + 130 बट्टा में 100 - y कर दो कितना जाएगा, 80 × x कितना 480, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 130 × 10 काट दो, 8 × 48 130 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो 780, उतना ही आंसर आ गया ना जितना इधर आया था, बस यही बात है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसी तरीके के, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे ठीक है। तो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक और शेयर ठोक दीजिएगा एकदम ठोक। जय हिंद जय भारत।